ये माधव गोखले ने जो बयान दिया, जो स्टेटमेंट दिया, उस पर आपकी क्या? माधव गोखले साहब ने जो कुछ कहा है उसमें सच्चाई है और उन्होंने सही कहा है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए। बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि ताले खुलाने का मामला उसका शाबानों से कोई ताल्लुक नहीं था, ये पहले से चल रहा था, ये पहले से चल रहा था। और तीसरी बात उसमें यह है कि जस्टिस पांडे ने जो जजमेंट दिया था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने ताले खोलने का जजमेंट इसलिए दिया क्योंकि मेरे कोर्ट में एक काला बंदर आकर बैठा था और लोग उसको बादाम खिला रहे थे, अखरोट खिला रहे थे, नहीं खा रहा था। जब मैंने जजमेंट दिया तो दोबारा वो काला बंदर मेरे घर में आकर बैठ गया, तो मैंने समझा कि प्रभु ने मेरे जजमेंट को कबूल कर लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस जितना ये जुडिशियल मामला रहा है 1949 से लेकर ताले खुलाने तक, इसमें इंसाफ नहीं हुआ है। आप एक बात याद रख लीजिए कि माधव गोखले ने जो कहा बिल्कुल सही है, लॉक पड़ा हुआ है, 4:15 को जजमेंट आता है और 15 मिनट के अंदर लॉक को तोड़ दिया जाता है, जिसके पास चाबी उसको बुलाया भी नहीं जाता। और फिर उसके बाद राजीव गांधी अपनी इलेक्शन की मुहिम का आगाज वहीं से करते हैं, उस जगह से करते हैं। आप बताइए, ये सब चीजें हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है और हम इस बात को मानते हैं। और हम माधव गोखले साहब ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो फैक्ट है। बिल्कुल वो उन्होंने जो माधव गोखले ने कहा बिल्कुल सही है, उन्होंने कबील जो माधव गोखले साहब ने कहा है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्हीं के ऑर्डर्स के ऊपर ये ताले खुलाए गए। आप बताइए कि जिस जमाने में ताले खोले गए कंप्यूटर नहीं था, 5 मिनट की हियरिंग होती है और 25 पेज का ऑर्डर दिया जाता है, टाइप करने कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे ना। बिल्कुल सही कहा माधव गोखले ने, ये सच्चाई है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, राजीव गांधी के बारे में उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। क्या कह सकते हो, वो आपके ANI ने जो कैरी किया है उनके बारे में बिल्कुल सच है वो। सर, आप जुडिशरी पे भी एक तरह से, जैसे आपने अभी बोला, आपने एक तरह से जुडिशरी पे भी कहीं ना कहीं आप निशाना साध रहे हैं। अब मैं, आप मेरे को बात बताइए कि पांडे साहब ने अपनी किताब में कहा है, अगर मैं जज होता और मैं ये फैसला देता कि भाई मैं फैसला प्रमोद के खिलाफ इसलिए देता क्योंकि मैंने हरे कबूतर को देखा था मेरे कोर्ट के सामने और मैंने प्रमोद के खिलाफ फैसला ले दिया और वो हरा कबूतर मेरे घर में आके बैठ गया और मैं कहूंगा कि देखो कुदरत से मुझे एक पैगाम मिला था। ये जज, इस तरह के जज फैसला देते हैं। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का कंटेम्प पिटीशन अब तक क्यों नहीं हियर हुआ? कंटेम्प पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ है, अभी तक पड़ा हुआ है, वो कब हियर होगा वो बताइए? कंटेम्प पिटीशन जो है डिमोलिशन का अब तक हियर नहीं हुआ है, क्या मुझे राइट नहीं है उसको ये सवाल करने का, पूछने का? बिल्कुल, ये मेरा जो ग्रीवियंस है वो सच्चाई पर मुबन्नी है। जस्टिस पांडे अपनी किताब में कह रहे हैं कोई जज इस तरह का फैसला देगा कि मेरे कोर्ट में काला बंदर आकर बैठा था और मैंने उसको देखा और समझा कि प्रभु से मुझे ऑर्डर हुआ है और मुझे ताला खोलने का जजमेंट दे दिया। बताइए आप। सर, आप अपनी तकरीरों में, अपने जलसों में कांग्रेस की मुखालफत करते रहते हैं, उनकी चीजों को उठा के, तो क्या इस चीज को भी आप आगे करेंगे जो उन्होंने कहा? हम तो हमेशा इस बात को कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही ताले खुलवाए। जब कांग्रेस पार्टी ही जीबी पंत जब चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, रात के अंधेरे में चोरी के साथ मूर्तियां रखी गई थी, इससे कोई इनकार नहीं करता, FIR में है, चीफ मिनिस्टर जीबी पंत थे, ताले खोलने का कांग्रेस की सरकार थी, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, यकीनन कांग्रेस भी इसमें बराबर की इस गुनाह में शरीक है। We'll see what we can do. You see, that is why when
the media had asked me, what is it that I'm expecting? I said that I want a judgment which will reaffirm and strengthen the rule of law in our country. A judgment which will tell the world that fact is above faith. And thirdly, what this person has said, that yes, definitely they want to take forward all these issues in the form of Kashi and Mathura now. देखिए ये बात बिल्कुल जब आपने हमसे सवाल किया था कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, मैंने कहा था फैसला मैं नहीं लिखने वाला हूं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस लिखेंगे। हमारी उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा फैसला आएगा जो मुल्क में, हमारे वतन अजीज भारत में, इंडिया में रूल ऑफ लॉ को, कानून की बालातरी को मजबूत करेगा, उसको रीअफर्म करेगा, और दूसरा ऐसा होगा कि फैक्ट फेथ के ऊपर आए, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, वो तो ऑनरेबल जजेस बता पाएंगे। तीसरी बात ये है कि ये जो इस साहब ने कहा है, यकीनन इनके एजेंडे में है काशी मथुरा, ये रुकने वाले नहीं, हमको मालूम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा फैसला आएगा जो रूल ऑफ लॉ को मजबूत करेगा और फैक्ट की विक्ट्री होगी फेथ के ऊपर। सर, एनी मैसेज टू द पीपल बिफोर द फ्रॉम योर साइड? पीपल आर मैच्योर, दे नो व्हाट टू डू।